सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काको ऐप क्या है और इसे किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पहले जान लीजिए काको ऐप क्या है। दोस्तों, काको ऐप एक ऐसा ऐप है जिसकी सहायता से आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो, साथ ही फोटो को फिल्टर कर सकते हो। और इस ऐप में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप अपनी सिंपल फ़ोटो को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से एडिट कर सकते हो। तो एडिट करने के बाद आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको इसे चलाना भी सिखाने वाला हूँ, तो यह जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो टेक्नो हेल्पर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काको कैमरा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर आ जाना होगा, और प्ले स्टोर पर आने के बाद आप सर्च कीजिए काको कैमरा, KACO कैमरा। तो जैसे आप सर्च करोगे, आपको फर्स्ट में ही एक एप्लीकेशन शो हो जाएगी। तो देख सकते हैं इसका कुछ इस टाइप से लोगो आपको मिल जाएगा, तो आप इसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस ऐप को कैसे आपको यूज करना है और किस तरीके से इस ऐप से आप फोटो एडिट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। तो आप डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। तो चलिए, मैं ओपन करने के बाद की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यही वो ऐप है जिसकी सहायता से हम फोटो एडिट करेंगे। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ऐप ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर आपको ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एडिट, कॉलेज और कैमरा का। तो जान लेते हैं एडिट से क्या होगा। दोस्तों, एडिट से आप अपनी सिंपल फ़ोटो को आसानी से और बहुत ही अच्छी एडिट कर सकते हो। और दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आ जाता है कॉलेज का। तो दोस्तों, इस फीचर की सहायता से आप अपनी 2-3 या फिर 5-6 फ़ोटो को कलेक्ट करके इसकी एक तस्वीर बना सकते हो। और नेक्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कैमरा का। तो दोस्तों, यहाँ से आप अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच सकते हो, यहाँ से आप फ़ोटो शूट कर सकते हो। तो इस फीचर में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप बहुत ही अच्छी फ़ोटो कैप्चर करके आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को जान लेते हैं, एडिट को कैसे यूज करना है। तो सिंपली से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी फ़ोटो देखने को मिल जाएंगी आपको, जो आपकी गैलरी में रहेंगी। तो चलिए, मैं यहाँ से किसी भी एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। सो गाइज, देख सकते हो यहाँ पर हमने एक फ़ोटो ले ली है, और यहाँ पर हम इसे एडिट करना आपको बता देते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है, ऑटो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को फिल्टर कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप इफ़ेक्ट दे सकते हो फ़ोटो में। तो नीचे आपको मिल जाएगा, आपको नीचे ऑप्शन देख सकते हो स्टीकर का। पहला ऑप्शन है स्टिकर का, तो हम आपको बता देते हैं इसे कैसे यूज करना है। इस पर हमें क्लिक करना होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे स्टिकर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हें यूज कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे ये वाला स्टिकर यूज करना है, तो सिंपली से मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, और आपको डबल फिंगर की सहायता से इसे एडजस्ट कर लेना होगा। तो जहाँ पर आप लगाना चाहते हो उस स्थान पर ले जाके आप इसे छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर लग जाएगा। तो यदि मुझे यहाँ पर लगाना है, तो नीचे टिक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। सो गाइस, देख सकते हो ये स्टिकर वहाँ पर लग गया है। और सेकंड ऑप्शन हमें मिल जाता है टेक्स्ट का। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपनी फ़ोटो पर कुछ लिखना चाहते हो, यदि आप अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हो, तो इस फीचर की सहायता से आप लिख सकते हो। तो चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो लिखा है क्लिक टू एडिट। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और आपको अपना नाम या आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से अपना नाम लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो यदि यहाँ पर मुझे कलर देना है, तो सेकेंड में ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, यहाँ पर क्लिक करके कलर दे सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ।
और यदि आपको बैकग्राउंड भी देना है तो बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करना होगा और आप यहां से कलर दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से वाइट कलर दे देता हूं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इस पर शैडो देना है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसमें आपको परछाई लगाना है, तो थर्ड वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्ट्रोक कलर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको जो कलर देना है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ से हम ब्लू कलर दे देते हैं। सो गाइज, आप ध्यान से देखिए, आपको टेक्स्ट के पीछे साइड में, मतलब बैक साइड में आपको कलर चेंज होते नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ से हम ब्लू कलर ऐसे दे देते हैं तो आपके कुछ ऐसा फॉन्ट हो जाएगा, देख सकते हो आप। तो आपको जहाँ पर एडजस्ट करना है, जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ पर लगा सकते हो। तो इसे उठा के हम यहाँ पर लगा देते हैं तो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। और यदि आप इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइल का, तो यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट टू राइट, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट वाला लेफ्ट टू राइट, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इस पर अंडरलाइन करना है नाम पर, तो यहाँ से कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये फंक्शन तभी काम करेंगे जब आप बैकग्राउंड में कलर ना लगाएं। जैसे मैंने वाइट कलर लगाया तो यहाँ पर अंडरलाइन मुझे देखने को नहीं मिलेगी, तो इस फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इतना काम होने के बाद नीचे टिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके सेव कर देंगे। तो देख सकते हैं इतनी फ़ोटो हमारी सेव हो गई है। थर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाता फिल्टर का, तो इसके साथ ऐसे आप अपनी फ़ोटो को और भी अच्छी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो, पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप से थी, अब मैंने यहाँ पर फिल्टर कर ली है तो कुछ इस टाइप से बन गई है। तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं डन वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे आप देख सकते हो टिक का ऑप्शन, और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता ब्यूटी का। यदि आपकी फ़ोटो काली वगैरह है या ब्लैक है तो यहाँ से आप गोरे हो सकते हो। सो गाइज, देख सकते हो पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी, और जैसे मैंने ब्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो हो गई है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं एक एक ऑप्शन को यूज़ करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको एक एक फंक्शन यूज़ करके नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे नीचे से, और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है क्रॉप का। यदि आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हो, कुछ इस टाइप से आप क्रॉप कर सकते हो, लेकिन हम इसकी ओरिजिनल साइज को ही रहने देंगे। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है पेंट का, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फ़ोटो में पेंटिंग भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, तो जिस कलर से आपको पेंटिंग करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हो, तो चलिए मैं आपको अपना नाम लिख के बता देता हूँ। तो गाइज, मोबाइल में लिखेंगे तो कुछ इस टाइप की हमारी राइटिंग आ रही है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप नाम ही नहीं लिख सकते, बल्कि बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर कलाकारी कर सकते हो। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, क्लिक करोगे तो स्मॉल रहेगा, मतलब कुछ बारीक आपको पेंसिल चलती हुई नज़र आएगी, और जैसे उस पर क्लिक करोगे मीडियम हो जाएगी, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। और जैसे एक और बार क्लिक करोगे तो लार्ज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर मोटी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस फीचर को आप अपने तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे आपको करना हो। और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट का, तो जैसे एडजस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जैसे आपकी फ़ोटो ब्लैक हो, थोड़ी यहाँ पर काली हो, तो यहाँ से आप गोरी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको गोरी करने के लिए यहाँ पर आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है, कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फ़ोटो को शेडो भी दे सकते हो, हाइलाइट्स भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपको फ़ोटो को सेव करना है तो यहाँ पर ऊपर टिक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो मतलब आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन हम देख लेंगे, यहाँ पर कॉलेज का मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी फ़ोटो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको 5-6 या जितनी फ़ोटो आपको चूज़ करना है, मिनिमम आपको यहाँ पर 9 फ़ोटो ऐड करने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, और डन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। कुछ इस टाइप की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने हिसाब से फ़ोटो को एडजस्ट करके एक फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ से जूम आउट भी आप कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और यदि आपको फ़ोटो ये वाली सेव करना है तो यहाँ ऊपर सेव का बटन है, आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। और दोस्तों थर्ड वाला एंड लास्ट ऑप्शन मिल जाता है कैमरे का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी शानदार फ़ोटो खींच सकते हो और यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हो, और फिल्टर करने के साथ साथ ही आप इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट लगा सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आप जब फ़ोटो खींचोगे तो आपका डेटा ऑन होना चाहिए, तभी आप अच्छे अच्छे फिल्टर कर सकते हो और अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ था इस ऐप में। और दोस्तों यदि आप इस ऐप से संबंधित मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना होगा। इंस्टाग्राम की आईडी है technohelper07, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है और आपको सिंपली से मैसेज कर देना है, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप इस ऐप को चलाना सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बंदे हों, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय, और हाँ, अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखना।